एक बार आखिरी परफॉर्मेंस वाला जोश दिखा सकते हैं आप लोग? चले, तो प्यार मोहब्बत इश्क की बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा सा सीरियस। गौर से सुनिएगा, बहुत इजी लाइन है बट बहुत गहरे मीनिंग के साथ है, तो अगर आप उस मीनिंग तक पहुंच पाए तो मैं समझूंगी कि मैंने अच्छा लिखा है। पैसों को लक्ष्मी कहा गया, भारत को कहा गया माता। पैसों को लक्ष्मी कहा गया, भारत को कहा गया माता। लक्ष्मी की इज्जत करता नहीं, माता पे हुक्म चलाता। कृष्णा जी ने कहा था स्त्री सम्मान सर्वोपरि है। कृष्णा जी ने कहा था स्त्री सम्मान सर्वोपरि है, पर राधे से ज्यादा स्त्रियां सच कहूं तो अधमरी है। पूछने पर वो कह देंगी जी जी हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम आंखों में देखना उनकी अंदर से वो कितनी डरी हैं। और ये बराबरी की बातें भला हो ही क्यों रही है, और ये बराबरी की बातें भला हो ही क्यों रही है। स्त्री तो आखिर जननी है ना, फिर वो तो सबसे बड़ी है। कोई समझता है खिलौना, कोई खून से है नहलाता। कोई समझता है खिलौना, कोई खून से है नहलाता। फिर क्यों पैसों को लक्ष्मी कहा, क्यों कहा भारत को माता। बहुत अभी भी कुछ मेल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी करते हैं, ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगती है बट करते हैं। कहते हैं ना घर के काम लड़कियों के काम होते हैं, ठीक है, जैसे कि हाथ पैर के अलावा कैसे, मतलब पैरों से और हाथों के अलावा भी किसी चीज से काम करना होता हो, कि सिर्फ लड़कियों के काम होते हैं, ठीक है। तो ये लिखा था कि आदर है उन मर्दों का जो घर में कमाकर है लाता, आदर है उन मर्दों का जो घर में कमाकर है लाता। फिर जरा सा झाड़ू उठाने में इनको लकवा क्यों है मार जाता। बोलने पर कहते हैं ये तो स्त्रियों का काम है, और ये सब सुनकर भी उनका वालिदैन चुप रह जाता। वालिदैन का मतलब होता है माता पिता। टीवियों पर देखते हैं बड़ी जल्दी उंगली उठाते हैं सब, वही गुनाह कोई अपना करे उसे गुनाह भी नहीं कहा जाता। शुक्रिया। खैर करो जो करना है, भगवान से कहां कुछ छुपता है। खैर करो जो करना है, भगवान से कहां कुछ छुपता है। उनके पास होती है एक किताब जिसमें वो सब कुछ लिखता है। अत्याचार बढ़ा जिस दिन इतिहास खुद को दोहराएगा। इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। अत्याचार बढ़ा जिस दिन इतिहास खुद को दोहराएगा। महिषासुर का फिर वध होगा, जग स्त्री से घबराएगा। दबाव डालना तो दूर की बात, आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। शायद जोड़ स्त्री में है कल पुरुष में देखा जाएगा। सोचो कैसा होगा वो दौर जिस दिन ऐसा हो जाएगा। मैं लिख के देती हूँ जिंदगी तो क्या एक दिन भी नहीं निकाल पाएगा। बहुत शुक्रिया। खैर ये बस एक कल्पना थी, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो। खैर ये बस एक कल्पना थी, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो। हर लिंग को अपनी आजादी मिले, कोई किसी का मोहताज ना हो। स्त्री का आदर करो साथियों, सौभाग्य इसी से है आता। फिर पैसों को लक्ष्मी कहना, कहना भारत को माता। बहुत शुक्रिया। और अब कुछ ख्याल देख लीजिएगा। पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। नहीं, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है। हाँ, मुझे लगा था कि पहला मिसरा जब मैंने लिखा था तो मुझे लगा था कि सब कुछ और ही सोचेंगे। पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है, पर्दे के बाहर देश बदल रहा है। पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है, पर्दे के बाहर देश बदल रहा है। और खौफ इतना है कानून का, देखो तो जरा। खौफ कितना है कानून का, देखो तो जरा। कातिल कत्ल करके भी कितना उछल रहा है। बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग कहते हैं ना कि शंकर पार्वती जी ने भी तो प्यार, लव मैरिज हुई थी उनकी, राधा कृष्ण जी को भी इतनी मान्यता मिलती है, हमारे प्यार को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते। तो उस पे लिखा था कि मोहब्बत की भी पूजा होती, जमाना इसके आगे सर झुकाता। मोहब्बत की भी पूजा होती, जमाना इसके आगे सर झुकाता। अगर शिव पार्वती की तरह हर कोई अपनी मोहब्बत निभाता। शुक्रिया। मोहब्बत की भी पूजा होती, जमाना इसके आगे सर झुकाता। अगर शिव पार्वती की तरह हर कोई अपनी मोहब्बत निभाता। और मिलन ना होने के बाद भी राधा कृष्ण जैसा सम्मान मिलता। ये सब कुछ होता अगर
जरूरत को मोहब्बत नहीं कहा जाता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक ये देखिएगा, अपने लहजे में इतनी तहजीब रखना कि पैसा ना दिखाना पड़े कोई बात मनवाने के लिए। अपने लहजे में इतनी तहजीब रखना कि पैसा ना दिखाना पड़े कोई बात बनवाने के लिए, और अपने चाहने वालों की इतनी भीड़ इकट्ठी करना खुदा खुद जमीन पर उतरे तुम्हें ले जाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।